लोग होमवर्क में क्या करेंगे, एक तो आपकी पोएम है द रेन इज़ रेनिंग ऑल अराउंड, उसकी सिंगिंग प्रैक्टिस करेंगे जो कि हम अभी भी करने वाले हैं गूगल मीट पे, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका गिवन है क्या, फिल इन द लेटर्स टू कम्प्लीट द क्रॉसवर्ड पजल, यूज़ द पिक्चर्स एज क्लू। आपको ये क्रॉसवर्ड पजल फिल करनी है, मतलब यहाँ पे लेटर्स फिल करने हैं, ठीक है। और आप क्लूज़ को यूज़ कर सकते हैं, क्लूज़ को यूज़ करने का मतलब है आपको जो यहाँ पे इमेजेस दी गई हैं आप उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, बर्फ। बर्फ को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, स्नो। तो वी कैन राइट हियर स्नो, ओके। यू थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा गया ओ, ठीक है, इट इज़ स्नो, ओके। यहाँ पे ये क्या है, नेक्स्ट देखिए आप, ये क्या है, आपको पता है ना ये क्या है, दिस इज़ क्लाउड, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं हम, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था आपने, द विंड एंड द सन, हवा, हवा है ना, और हवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हवा को इंग्लिश में हम बोलते हैं विंड, डब्ल्यू आई एन डी विंड, ओके। हवा को हम इंग्लिश में बोलते हैं विंड, ठीक है। उसके बाद आपका है, यहाँ पे आ जाइए, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बल्ब की क्या होती है, लाइट। स्पेलिंग आप खुद लिखेंगे, मैं नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है। स्मॉल स्मॉल स्पेलिंग से ही आप वन में भी पढ़ते आ रहे हैं, ओके। तो ठीक है, बाकी की जो है वो आप इमेजेस देख के खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, आग से हमें क्या मिलती है, ठीक है। ये क्या है हमारा, इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। आग से हमें क्या मिलती है, हीट, एच ई ए टी। स्पेलिंग आप खुद लिखेंगे, इसे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो सब आप ये फिल करेंगे कंप्लीट, आज आपका होमवर्क में यही कंप्लीट करना है, ठीक है। फिल करके आप लोग अपने अपने इमेजेस जो हैं वो असाइनमेंट सेक्शन में अपलोड करेंगे, ठीक है।